रहीम असलकुम उनतीस मई बेरोज़ हफ्ता दो हज़ार इक्कीस उमान उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ अबू तलहा अभी चलते हैं आज की ताज़ा तरीन हेडलाइंस की जानी ओमान में होने वाले मुजाहरों के मुतल आमला का इजलास हुआ है वजारत तालीम ने कहा है कि तलीमी साल दो हज़ार इक्कीस दो हज़ार बाईस के बाईस के लिए नए इस को भर्ती किया गया है सलाम एयरलाइन ने एक ऑनलाइन बयान जारी किया है जिसमें मुसाफिरों को नई हदायात जारी की गई हैं अभी चलते हैं इन खबरों की तफसील की जानी ओमान में होने वाले मुजाहरों के मुतल वजारत अमला का अजलास हुआ है जिसमें इस बात पर बहस की गई है उमानियों को नौकरियां देने के लिए कौन कौन सा लह अमल इख्तियार किया जाए इन इजलास में मुख्त मूर पर तबादला ख्याल हुआ है उनमें से कुछ उमूर यह है कि खारजियों को उनकी नौकरियों से निकालकर उमानियों को भर्ती किया जाए या फिर नई नौकरियां पैदा की जाएं, या फिर पार्ट टाइम जॉब दिया जाए बहरहाल आने वाला वक्त खारजियों के लिए नई मुश्किल ला रहा है जिसमें खारजियों को नौकरियों से निकालने के लिए शॉर्ट नोटिस मिल सकते हैं इस खबर की इस खबर का सबूत इस वीडियो में ट्वीट की सूरत में मौजूद है वजारत तालीम ने कहा है कि तालीमी साल दो हजार इक्कीस बाईस के लिए दो हजार सात सौ तैतीस इस को भर्ती किया गया है नए भर्ती होने वाले इस में इस साल ग्रेजुएट करने वाले भी शामिल हैं। वजारत तालीम ने अपने बयान में कहा है कि पिछले सालों में करने वाले ग्रेजुएटर जो हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है वजारत तालीम ने मजीद कहा है कि दो हजार तीन सौ तैतीस नौकरियों में तीन सौ सत्तर गैर मुल्कियों को निकालकर उमानियों को भर्ती किया गया है वजारत तालीम की यह ट्वीट भी इस वीडियो में शामिल है वजारत तालीम की इस आज के ट्वीट को देखते हुए आने वाला वक़्त गैर मुल्कि के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हो रहा है सलाम एयरलाइन ने अपने एक ऑनलाइन बयान में कहा है जो मुसाफिर सलाम एयरलाइन के साथ सफर कर रहे हैं अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क इनसे सिफारिश की जाती है एयरपोर्ट पर रवानगी के वक़्त से कम अज कम चार घंटे पहले पहुंचे ताकि उनके तमाम कवायफ, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करते वक्त किसी किस्म का हमारे मुसाफिरों को सामना ना करना पड़े फिलहाल एयरलाइन की जानवर से मज़ीद कहना था कि बोर्डिंग साठ मिनट यानी एक घंटा पहले क्लोज कर दी जाती है लिहाजा तमाम मुसाफिर अपने सफर को बाफ या जारी रखने के लिए कम अज कम चार घंटे पहले जरूर पहुंचे मसलन अगर किसी की रवानगी का वक़्त दस बजे है तो उसे बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए मजीद खबरों को जानने के लिए मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए उमान उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आने वाली हर खबर ताकि आपके पास बर वक्त पहुंच सके अल्लाह नेगेबान